स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। हम क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हम देखेंगे कि कितनी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा सकते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स, तीन मेथड हैं हमारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा कि फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजिशन। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया हुआ है कि डबल बॉन्ड लिखा है, फिर वाई एक सब्सटेंस लिखा है, फिर सिंगल बॉन्ड लिखा है। तो मैं डबल बॉन्ड का ट्रांसफर करा दूं, डबल बॉन्ड का मतलब मैं पाई इलेक्ट्रॉन कह रही हूँ, पाई बॉन्ड कह रही हूँ उसको। तो मैं क्या कर रही हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा रही हूँ डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो पहला मूवमेंट तो हो गया फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट पोजिशन, यानी कि मैं डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ और सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट मूवमेंट इज दिस। सेकेंड मूवमेंट क्या है, मैं पाई बॉन्ड से एडजेसेंट एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूं, यानी कि मैं डबल बॉन्ड से वाई की तरफ भेज दूं। ठीक है, थर्ड मूवमेंट क्या है कि मैं जो एटम के पास एडजेसेंट लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट मैं उसकी बॉन्ड पोजिशन पे करा दूं, उसके बराबर वाले इलेक्ट्रॉन पे भेज दूं। तो अब देखिए तीन तरीके से मैं मूवमेंट आपको दिखाऊंगी। ये मैं सेम बना रही हूँ, मैंने यह डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्डिंग दिखाई है, पाई बॉन्डिंग दिखाई है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जो डबल बॉन्ड की फॉर्म में है, ये सिंगल बॉन्ड है। तीनों पोजिशन आई थिंक आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर है, दिख रहा होगा। अभी मैंने सिर्फ एक ही पोजिशन को तीन बार लिखा है, वन पोजिशन मैंने थ्री टाइम्स लिखी है और थ्री टाइम्स मैं उसका मूवमेंट करके दिखाऊंगी। तो बेटा मैं यहाँ पर डबल हेडेड एरो लगा रही हूँ, मीन्स ये रिएक्शन जो ये पोजिशंस हैं वो चेंजेबल हैं। अब मैं क्या करूंगी, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर सिंगल बॉन्ड की तरफ कराऊंगी। दिखा आपको, तो मैंने पाई बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराया, तो ये जस्ट पोजिशन कन्वर्ट हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है आपको? तो पोजीशन यहाँ पर जस्ट चेंज हो गई। तो वन मेथड है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का ये वाला। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एटम की तरफ भेज दूं। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, वाई एटम के पास एक लोन पेयर आ जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड ने उसको इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि मैंने क्या करा है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वाई एटम की तरफ कराया है। अब मैं थर्ड में क्या कर सकती हूँ, जो वाई एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो यहां पर आ जाएं, यानी कि सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर हो जाएं। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ना होके अब सिंगल बॉन्ड है, ये वाली पोजिशन मैंने ली है। ठीक है, थर्ड पोजिशन में मैंने सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाया है क्योंकि यहाँ इस वाली पोजीशन को मैंने यहाँ रिपीट किया है बेटा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर कर दिए एडजेसेंट पोजीशन पर, तो क्या बन गए, सिंगल बॉन्ड, वाई एंड डबल बॉन्ड। देयर आर थ्री टाइप्स, थ्री मेथड बाय विच वी कैन मूवमेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर पोजीशन या टू अदर पोजीशन। हम क्या करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा सकते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर। तो मुझे बताइए बेटा, इट इज क्लियर और नॉट? यस बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टॉपिक विच इज इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर हम बहुत सारे इफेक्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, जिसमें से पहला इफेक्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, देखिए सपोज करिए ये मैंने एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया CH3Br के बीच। ठीक है, तो ये जो मेरा कोवलेंट बॉन्ड है ये दो डिफरेंट एटम के बीच में बना है, जहां पर डेंसिटी का बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वहां पर डिफरेंट है दोनों एटम की। तो क्या होता है, Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू CH3, सो इट अट्रैक्ट द लोन पेयर, सो इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ।
तो यहाँ पर से पोलारिटी डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से CH3 पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और Br पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज ओरिजिनेट हो जाता है। समझ में आया? तो इसी ओरिजिनेशन को, इसी चार्ज के डेवलप होने को आप इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जो कि टेम्परेरी इफेक्ट है। क्लियर हुआ? अगेन सुनिए, दिस टाइम एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है जो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच बनता है। सपोज करिए CH3Br के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है जिसमें Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CH3 से ज्यादा है। तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। वो इसी पोलैरिटी के डेवलप होने से CH3 पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से, नॉट कम्प्लीटली, तो पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है और Br पार्शियली निगेटिव हो जाता है। दिस टाइप ऑफ द इफेक्ट इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने CH3, CH2, Br ले लिया इस बार, तो क्या होगा बेटा? Br जो है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी पार्शियली जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट इस पर भी आएगा। अगर मैं इस चेन को और बड़ा करती हुई चली जाऊं, जैसे CH3, CH2, CH2, Br, तो क्या होगा? Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो एवरी कार्बन एटम पर पोलैरिटी डेवलप होगी, चार्ज ओरिजिनेट होगा। लेकिन जो Br के पास वाला कार्बन है वो ज्यादा अफेक्टेड होगा, ये कम अफेक्टेड होगा, ये और कम अफेक्टेड होगा, लेकिन अफेक्टेड होगा, क्योंकि वहां पर पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से वो बॉन्ड फिर नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड ना होके पोलर कोवलेंट बन जाता है। इसी पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बनने को हम कहते हैं, पोलैरिटी डेवलप होने को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये डबल पॉजिटिव है, ये तीन बार पॉजिटिव है, मतलब जितना मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रही उतना ही वो कम अफेक्टेड है, लेकिन चार्ज तो रेगुलर बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आना ही है। तो मेरी बात आपको क्लियर हुई बेटा या नहीं हुई? यहाँ पर आप Br की जगह Cl भी ले सकते हो, अगर आपको Cl देख, क्योंकि सेम ग्रुप के मेंबर हैं, तो आप Cl ले लीजिए, तो Cl का इफेक्ट करके आप दूसरा एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ओरिजिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां जितने मेरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाए हैं, मैंने इसको कार्बन नंबर 1 दे दिया है, इसको कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन नंबर 3, तो जितने कार्बन नंबर 3 पार्शियली, बहुत कम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज से अफेक्टेड है, लेकिन अफेक्टेड है वो Cl के इफेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर इसी प्रोसेस को कि पोलराइजेशन के थ्रू जो सिग्मा बॉन्ड है वो अफेक्टेड हो रहा है और वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस इफेक्ट का जो प्रभाव, जो इस पोलर, ये इफेक्ट है, ये कार्बन चेन में रेगुलरली रैपिडली डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, जैसे मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज के थ्रू शो अप किया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, मैम यस बेटा, मैम फिर क्लोरीन पे, जैसे मैंने मैम प्रॉब्लम 12.15 बता दीजिए। एक मिनट, इस टॉपिक को पूरा कर दूं? ओके मैम। तो अब हम बात कर रहे थे, जैसे बेटा मैंने यहाँ पर Cl जोड़ा हुआ है, तो ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये 2 टाइप्स का होता है, प्लस और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाले डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो अटैच होते हैं कार्बन चेन से, और निगेटिव में क्या होता है, COOH, CN, एल्कोक्सी ग्रुप, वो अटैच होते हैं कार्बन चेन से। तो ये हमारा 2 टाइप्स का इफेक्ट पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम अगर 12.14 को देखें,
तो लिखा हुआ है विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं जैसे CH3H और CH3Br। तो आपको पता है कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा? CH3Br या CH3Br? आपको पता है इन पेयर्स में Br जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से CH3 के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, तो यही वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है? CH3C, NH2 और OH। बताइए NH2 और OH में से कौन सा होगा? OH। तो दूसरे वाले में से हमारा कौन सा हो जाएगा? जो भी हमारा OHCO बॉन्ड है OH की तरफ, OH हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो हमारा जो है वो CO बॉन्ड जो है ज्यादा पोलर हो जाएगा। और थर्ड वाले में दे रखा है SH और OH। तो बेटा OH जो है वो SH से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वही वाला बॉन्ड OH जो है वो ज्यादा पोलर वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखेंगे। मैम ये कैसे पता चलता है कि कौन सा, मैम ये कैसे पता चलता है? यस मैम, जैसे कि आप इसको एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। जैसे कि आपने देखा कि CH3OH से या CH3SH में विच वन इज द पोलैरिटी किसमें ज्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे इसको इस तरीके से स्विच ऑफ कर लीजिए CH3OH और दूसरा बॉन्ड बना लीजिए H3CSH। तो आप देख रहे हैं C और S के बीच में और C और O के बीच में बॉन्डिंग कहाँ पोलैरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जो C और O के बीच में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू C एंड O इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू S, इसलिए क्या होगा CO के बीच में पोलैरिटी CF से बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पर CO जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलैरिटी शो ऑफ करेगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं जो आपका क्वेश्चन ओरिजिनेट हो रहा है आपके मन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस इंडक्टिव फैक्ट को पूरा करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 12.15 भी करेंगे, ठीक।